नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। के आर न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले खबर की सुर्खियां, ब्रेकिंग न्यूज, मिथिलांचल वासियों के लिए खुशखबरी, हवाई सफर का सपना हुआ साकार, 8 नवंबर को मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा से एयरपोर्ट पर पहुंचेगी मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से स्पाइस जेट की पहली फ्लाइट, टिकट की बुकिंग हुआ प्रारंभ। आप देख रहे हैं केआर न्यूज, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा इसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। जानिए किस वेबसाइट से बुकिंग करा सकते हैं आप टिकट, यह भी जानिए मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु से कौन सा समय है फ्लाइट के उड़ान भरने का। तो आप स्पाइस जेट की वेबसाइट पर जाकर बुक करा सकते हैं फ्लाइट का टिकट। दिल्ली से दरभंगा के लिए स्पाइस जेट की पहली फ्लाइट दोपहर 14:10 यानी 2:10 पर उड़ान भरेगी और 1 घंटा 45 मिनट का सफ़र तय कर 15:55 यानी 3:55 पर दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगी। बेंगलुरु से दरभंगा के लिए सुबह 8:45 पर उड़ान भरेगी और 2 घंटे 30 मिनट बाद दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेगी। वहीं मुंबई से सुबह 9:40 में उड़ान भरेगी और 2 घंटा 30 मिनट की सफ़र तय कर 12:10 पर दरभंगा पहुंचेगी फ्लाइट। आपको बता दें, अभी हाल में ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट का दौरा किया था। उन्होंने इस अवसर पर घोषणा किया था कि छठ पर्व के अवसर पर मिथिला वासियों को घर आने के लिए परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और मिथिला के लोग सीधी हवाई संपर्क से जुड़ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने नवंबर के प्रथम सप्ताह में हवाई सेवा चालू करने की घोषणा की थी, जो उड्डयन विभाग के घोषणा के बाद 8 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। आपको बता दें कि हवाई जहाज से सफर करने का मिथिलांचल वासियों का सपना साकार हुआ है। मिथिलांचल वासियों के सपनों को पंख लगी है। वर्षों से यहाँ के लोग प्रतीक्षारत थे। केंद्र सरकार द्वारा फ्लाइट के बुकिंग एवं डेट निर्धारित किए जाने से यहाँ के नागरिकों में काफ़ी हर्ष है। इसके लिए मिथिला एवं कोसी क्षेत्र के नागरिकों ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना रहा है कि हवाई चप्पल जो पहनने वाले लोग हैं वो भी हवाई जहाज का सफ़र करें। तो पीएम मोदी का यह एक सपना था जो दरभंगा से मिथिलांचल वासियों को फ्लाइट का तोहफा देके अब सीधा देश और दुनिया से जोड़ दे, जो इसकी एक शुरुआत हो रही है 8 नवंबर से। और 8 नवंबर से दिल्ली, बेंगलुरु एवं मुंबई से हवाई सफ़र तय कर मिथिलांचल एवं कोसी बिहार समेत नेपाल के लोग मिथिलांचल पहुंचेंगे, मिथिलांचल की हृदय स्थली दरभंगा पहुंचेंगे, दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। और ये शुरुआत है और इसके लिए मैं केआर न्यूज़ की तरफ से भी केंद्र सरकार को, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको केआर न्यूज़ का समाचार यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा इसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला। धन्यवाद।